हेलो दोस्तों, मैं हूं अख्तर हसन और आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप SBI यूनो में बेनिफिशियरी कैसे ऐड करते हैं और SBI टू SBI, SBI टू अदर्स बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद जो है आप बहुत ही जल्दी उस अकाउंट पे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको SBI यूनो को जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखिएगा कि फाउंड ट्रांसफ़र, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड एंड पे ए न्यू बेनिफिशियरी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका इंटरनेट बैंकिंग का जो प्रोफाइल पासवर्ड है उसको आपको डालना है। डालने के बाद दोस्तों सिंपली आपको कंफर्म पे क्लिक करना है और कंफर्म पे क्लिक करने के बाद और उसके बाद जो है दोस्तों आपको अकाउंट नंबर पे सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिया है, SBI अकाउंट और अदर बैंक अकाउंट। और इस पे जो है SBI अकाउंट, इस पे आपको डिटेल्स भरना है, नेम, अकाउंट नंबर, मैक्सिमम लिमिट, निक नेम, ये सब भरने के बाद जो है नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद 4 घंटे के अंदर जो है आपका बेनिफिशियरी एक्टिव हो जाएगा और उस अकाउंट पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरा है अदर्स बैंक अकाउंट, इस पर भी आपको निक नेम, अकाउंट नंबर, IFC कोड, अगर IFC कोड नहीं पता है तो आप गूगल से भी सर्च करके निकाल सकते हैं। और मैक्सिमम लिमिट, आप उस बंदे को कितना मैक्सिमम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसी तरह से आप लिमिट कर सकते हैं और उसी लिमिट के अंदर ही आपको पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और लिमिट जो है बाद में चल के आप चेंज भी कर सकते हैं। और निक नेम डालना है, इसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपका अकाउंट जो है सेट हो जाए। मैं एक अकाउंट सेट करके दिखा देता हूँ फिर भी। और उसके बाद जो है अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। IFC कोड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो है आपको डालना है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 20,000। और उसके बाद जो है निक नेम डालना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंडेटरी फील्ड, यू कैन इमीडिएटली ट्रांसफ़र अप टू 10,000 अमाउंट, अबव 10,000 टेक अप टू 4 आवर टू ट्रांसफ़र। अगर आप क्विक ट्रांसफ़र की तरह आप 10,000 ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्विकली, लेकिन अगर ज़्यादा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको 4 घंटा वेट करना पड़ेगा। 4 घंटे के बाद ही आपका अकाउंट जो है एक्टिव होगा बेनिफिशियरी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद जो है आपको पे पे क्लिक करना है, आपका पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा उस बंदे का अकाउंट पे। तो सिंपली प्रोसेस से आप इसी तरह से आप अकाउंट ऐड कर सकते हैं, उस अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं दोस्तों। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। फिलहाल के इतना ही, और इसी तरह से मैं SBI का नए नए कुछ ऐप और उसका अकाउंट्स के बारे में डिटेल्स लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए बाय बाय।